आपको हम फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार का एक वीडियो दिखाते हैं। अक्षय कुमार को भारत में स्वास्थ्य का ब्रांड एम्बेसडर कहें तो गलत नहीं होगा। वो फिट हैं और फिट रहते हैं और लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स भी देते रहते हैं। और इसी कड़ी में अब उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के फायदे बताए हैं। अक्षय कुमार ने इसे पिलो टॉक का नाम दिया है। अक्षय कुमार ने संदेश में अपनी फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के लिए भी लोगों का शुक्रिया कहा है। एकदम डायरेक्ट बोलू, दिल से बोलू भाई, मजा आ रहा है, जबरदस्त मजा आ रहा है आप लोगों से इस तरह डायरेक्ट बात करने में, दिल में जो भी आए बस एकदम खुल के बोल देने में। आप लोग हमेशा से मेरी फिल्मों को इतना प्यार देते हैं, अभी हाल ही में मेरी एक नई फिल्म भी रिलीज हुई, उसके लिए आप लोगों ने इतनी तारीफ की, इतने अच्छे मैसेजेस भेजे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर केरला के एक शान से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊँ, बाई गॉड जन्नत की फील आ गई। ना टीवी, ना फ़ोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहनावा, सफ़ेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूँ और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, वैसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई और वहाँ मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेज़ी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉयड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। किसी विदेशी स्पा में जाकर फैंसी मसाज करवा के अच्छी सेहत ढूंढ रहे हैं। और मज़े की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज़ की कीमत को। देखो भैया, मुझे एलोपैथिक दवाई या उसके इलाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, बहुत सही है, लेकिन हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं। जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं।